मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं नर्मदा के निचले तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का पानी 10 से 12 सेंटीमीटर प्रति घंटे बढ़ रहा है। उधर पूर्वांचल क्षेत्र में भारी बारिश से जबलपुर बरगी बांध के 19 गेट खोले जाने के बाद से नर्मदा का जलस्तर निचले तटीय क्षेत्रों में बढ़ने लगा है। हंडिया केंद्रीय जल आयोग के प्रभारी संदीप शर्मा ने बताया कि 4 अगस्त शुक्रवार को नर्मदा नदी में जलस्तर 262.850 सेंटीमीटर था, जो कि शनिवार दोपहर 2:30 बजे तक 268.810 सेंटीमीटर पर जा पहुंचा है। निश्चित तटीय क्षेत्रों को अलर्ट जारी कर दिया गया है।